पहुंचने के लिए हम 7.5 घंटे की उड़ान भरने वाले हैं और फ्लाइट बिल्कुल टाइम पर है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम साफ रहेगा, तो आराम से बैठकर सफर का मजा लीजिए। तुमने वैसे बाल नहीं कटाए जैसी हमारी बात हुई थी। जरा दिल की आंखों से तो देखो शायरी। सर आप कुछ लेंगे? नो थैंक यू। ये लीजिए मैम। थैंक यू। सर आप कुछ लेंगे? नहीं। कल रात भी पार्टी थी क्या? शुश। हाँ जरूर मिलेंगे ना। हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए मैम। विल, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, रोल में है। तुम्हें क्या लगता है? तुमने चेक कर लिया, काफी है। ए डैनियल, तुम मुझे डरा रहे हो, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं? देखा, इसमें बस थोड़ा सा। कम ऑन डैनियल, बकवास बंद करो और पता करो प्रॉब्लम क्या है। गैंडे सेंटर, ये है IA42। लगता है इंटरमिटेंट इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम है, हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है IA42, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हमें बताइएगा। ठीक है IA42। डैनियल, मैं फ्लाइट इस तरह नहीं उड़ा सकता। ये क्या हो रहा है? गैंडस सेंटर, ये है IA42। आपने कहा था मौसम बिल्कुल साफ है। 5 मिनट पहले तक रास्ता साफ था IA42, ये स्टॉर्म अचानक से सामने आ गया। स्क्वाड 7700, कोई दूसरा रास्ता है आपके पास? हम कोशिश करके देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, आगे टर्बुलेंस हो सकता है। क्रू पैसेंजर्स को बिठाकर अपने सीट्स पर चले जाइए। ये क्या हो रहा है? फ्लाइट क्रैश होने वाली है क्या? आपको लगता है हम इससे बच पाएंगे? मुझे लगता है हमें यहाँ से सीधे चलना चाहिए। ध्यान से, हम रोल कर रहे हैं। हो गई है, अभी तो सनसेट होने में लगभग 1 घंटा बाकी था। कहीं हम बेहोश तो नहीं हो गए थे क्यों कैप्टन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असुविधा के लिए खेद है, अचानक स्टॉर्म आ गया था। अच्छी खबर यह है कि हमने उसे पार कर लिया है, अब आगे का रास्ता स्मूथ है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्टॉर्म से पास हो रहे थे उसी वक्त सनसेट हो गया।
बर्म्यूडा ट्रायंगल क्रॉस करते वक्त ऐसा अक्सर होता है। घबराइए मत, कल दूसरा सनसेट देख लीजिएगा। बर्म्यूडा ट्रायंगल क्रॉस करते समय कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। क्या किसी और का भी कनेक्शन डाउन है? हाँ, मेरे भी फोन के सिग्नल्स नहीं मिल रहे। बाप रे, तुमने ये देखा? हमारे पास ऑल्टीट्यूड है, एयर स्पीड है, फ्यूल भी है, लेकिन इतने से सिर्फ हवा में उड़ पाएंगे। फ्यूल भी काफी बची है, पर आगे कुछ भी हो सकता है। देखता हूँ कुछ मैनेज कर सकते हैं क्या। गैंडा सेंटर, ये है IA-42। हमने स्टॉर्म पार कर लिया है, लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपकी मदद लगेगी। IA-42। गैंडा सेंटर, ये है लंदन बाउंड IA-42। आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। फ्यूजेस तो ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बैकअप चेक करो, शायद वहां पर कुछ करता हूँ। गैंडा सेंटर, यह है IA-42। आवाज आ रही है? अब भी नहीं। डैनियल, एक चीज है जो बिल्कुल सही चल रही है। कौन सी चीज? हमारा रडार सिस्टम। बस यही ऐसी चीज है जो इंटरनेशनल एयरलाइन एवियोनिक्स के अपग्रेडेशन के बाद भी नहीं बदली गई थी। जब तक ये काम कर रहा है, हम सब सेफ हैं। आप ठीक है ना? ओके। हाँ, ठीक है। ठीक हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। सर, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? सॉरी, मैं आपको थोड़ी तकलीफ दूंगा। कोई बात नहीं, क्या लेंगे आप? नो थैंक यू। आज रात जल्दी हो गई है ना? वो स्टॉर्म की वजह से हुआ है, जैसे कैप्टन ने बताया। थैंक यू। तो आप लोग इंग्लैंड किस काम से जा रहे हैं, बिजनेस या घूमने? दोनों। हम एक्रॉन यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। लंदन में एक कन्वेंशन होने वाला है। हाँ, वहाँ पर कुछ बहुत ही अमेजिंग प्री वॉर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिसमें से कुछ मेरे पसंदीदा। तुम्हें उन्हें बोर करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उन्हें नींद आ रही है, देखो। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे अपना काम खत्म करना है, उसके बाद मैं वापस आकर आपकी बात सुनूंगी। मुझे आपका इंतजार रहेगा। आप चले जाइए, वरना ये आपको बोर कर देगा। ओके, तो ये हिटलर का मैप है, अर्जेंटीना वाला, राइट? आप क्या कर रहे हैं? मैं हर चीज का हिसाब लगा रहा हूँ। तुम जानती हो, मेरी उम्र में हर चीज का हिसाब रखना ही पड़ता है, क्योंकि पता नहीं दोबारा जिंदगी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। थैंक्स अ लॉट। अजीब बात है। क्या हुआ, फिर से कोई गुड न्यूज? जरा वो देखो, यहां तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं, इसका रेडार भी खराब हो गया क्या? पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन कोऑर्डिनेट्स तो मूव कर रहे हैं। अगर रेडार खराब होता तो कोऑर्डिनेट्स मूव नहीं करते। मतलब कुछ तो है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हमारे आसपास एयर ट्रैफिक भी होना चाहिए, क्यों, है ना? ठीक है, तो हम लूप बनाते हैं और कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। कुछ भी नहीं है। रडार के हिसाब से हम लोग यहां पर अकेले हैं। हो सकता है स्टॉर्म से ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ हो, सिग्नल्स वापस आने तक इंतजार करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लंदन पहुंचने में अभी कुछ घंटे बाकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। अगर हम क्लाउड कवर से नीचे आ जाएं, तो किसी शिपिंग लेन से या कार्गो शिप से हमें कोई विजुअल क्यू तो जरूर मिल सकता है। तो क्या ये करना सही होगा, बताओ? अगर हमें कोई नहीं सुन पा रहा है तो यही एक रास्ता बचा है।
दिस इज कैमरन। हे कैमरन, वहाँ सब कैसा चल रहा है? हम थोड़े थक गए हैं लेकिन सब ठीक है। गुड, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ सब अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। हम डिसेंड करेंगे। सब ठीक तो है ना? हम बस निकलने वाले हैं एक हाई लेवल विंड शीयर से। सभी को सीट्स पर बिठा दो। ओके, ठीक है। सब ठीक तो है ना? हमें सबको सीट्स पर बैठाना होगा, हम डिसेंड करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि टर्बुलेंस हो सकती है। कैसा टर्बुलेंस? लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। हम टर्बुलेंस से निकलने वाले हैं, इसीलिए क्लाउड्स के नीचे से जाएंगे। ये नॉर्मल सी बात है, फिर भी आप सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। यहाँ सब सिक्योर्ड है कैप्टन। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। यकीन करो, मैंने अपने करियर में ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है। घबराने की कोई बात नहीं है। ओके। जमीन मतलब अटलांटिक हमारे नीचे ही है। होना तो चाहिए। अच्छा, मतलब हम भटक गए हैं। गैंडस सेंटर, मेरी आवाज आ रही है? बाहर देखते रहना, कोई रेडियो टावर्स हो, ब्लिंकिंग लाइट्स जैसा कुछ। रडार के हिसाब से यहाँ पर 20 किलोमीटर दूर एक छोटा प्लेन है। ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे प्लेन्स हैं। पक्का वो प्लेन्स ही है ना? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आर यू श्योर? मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हम किसी चीज की तरफ बढ़ तो रहे हैं। आगे बहुत अंधेरा है, वो स्टॉर्म भी हो सकता है। वो कोई स्टॉर्म नहीं है, वो एक फायर है। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, ओह नो। ये क्या मुसीबत है? ये क्या हो रहा है? देखो जरा, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ नो, कुछ हो रहा है बाहर, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। देखो देखो, नो, ये क्या हो रहा है? क्या लगता है क्या होगा इसे? प्लेन क्रैश तो नहीं होगा? बट ये हो क्या रहा है? तो इसे कभी नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। यार, हम कहाँ फंस गए? ऐसा कैसे हो सकता? बिल, कोई चीज हमारी ओर आ रही है, वो हमारे करीब है, जल्दी करो। डैनियल, नैव लाइट्स बंद कर दो। नहीं, हम बहुत नीचे आ चुके हैं, रुक जाओ। रेडार पर ध्यान रखो। ए, ये सब क्या हो रहा है? कहीं हमें भी यूक्रेन की प्लेन्स की तरह कोई शूट तो नहीं करने वाला? हो क्या रहा है? जब तक हमारे कैप्टन हमसे कुछ नहीं कहते, हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैं तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, ओके? जैसे ही हमें पता चल जाएगा सर, हम आपको जवाब दे देंगे। क्या? सुनो सुनो, मुझे जवाब चाहिए सर। मेरा हाथ छोड़ दीजिए सर। अगर आप नहीं बैठे तो हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, इसीलिए बैठ जाइए। ठीक है। कैमरन, विल, क्या चल रहा है? हम सब संभाल लेंगे। वहां पर सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस थोड़े कंफ्यूज्ड और डरे हुए हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, हम जल्दी तुम्हें सब बताते हैं। तुम सबको शांत करो, ओके?
लगता है सब ठीक है, आसपास कुछ नहीं है। मैं हमारे और उनके बीच थोड़ा डिस्टेंस रखने वाला हूँ, कुछ ही देर में हम डक करेंगे। ओके क्या? Well, पिछली बार भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। हमें पता भी नहीं हम कहाँ हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के बिना हमारे पास बस लैंडमार्क्स का ही ऑप्शन है और वो क्लाउड्स के ऊपर से नहीं दिखते। लेडीज एंड जेंटलमैन, असुविधा के लिए खेद है, स्टॉर्म की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन अब सब ठीक है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नजर आया नीचे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शांत रहिए, बहुत अजीब है। फ्लाइट क्रू आपकी मदद करेगी। एक्सक्यूज मी, सॉरी। नहीं नहीं, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। एक्चुअली हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। सॉरी जेंटलमैन, अभी मजाक का वक्त नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। सुनिए, कैप्टन, मैं कैमरन। देखो अभी हम बात नहीं कर सकते। कैप्टन, मेरा नाम है बेनेट और ये मेरा कलीग है डेल। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप। रॉजर, डायना, हेल्प चाहिए यहाँ पर। कैप्टन, आप जानते वो कौन से एयरक्राफ्ट है? आप लोग अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पर बिल्कुल। GU-88 आपको पता है ना ये अलाउड नहीं है। क्या कर रहे हो? कहाँ ना चले जाइए। प्लीज अपनी सीट पर जाइए। प्रोप्लेन्स 1945 से पहले नहीं देखे हैं। सुनिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्लेन अब भी मौजूद है। बाहर आइए। ये क्या, बिना इंस्ट्रूमेंट्स क्या प्लेन उड़ा रहे हैं कैप्टन? आपको ये सब कैसे? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है, वो सब सामने दिख रहा है। हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बिना उड़ रहे हैं, सैटेलाइट्स भी काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ रडार काम कर रहा है। कंप्लीट सिग्नल लॉस, मतलब कोई सैटेलाइट है ही नहीं। जल्दी बताइए, क्या आपका रेडियो काम कर रहा है? स्टैटिक्स मिल रहे हैं लेकिन जब से हम वहां से निकले तब से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। हाँ सही कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा अलाइड रेडियो टॉवर्स नहीं थे 1940s में। हे, तुम डरो मत, सो जाओ ना। मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे भी। अजीब बात है, कोस्टलाइन और उन प्लेन्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम सेन नजर से गुजरे थे जहां बॉम्बिंग हुई थी। जून 1940 में फ्रांस में बॉम्बिंग की गई थी जर्मन्स के द्वारा। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, इन्हें अपनी सीट्स पर वापस ले जाओ। ठीक है, अब चलिए। रुकिए, अपनी लोकेशन पता लगाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्लाउड्स के नीचे जाके वर्ल्ड वॉर 2 के ज्योग्राफी के बारे में पता लगा सकते हैं। आप मदद कर सकते हैं, पर अभी अपनी सीट्स पर चले जाइए। ओके कैप्टन। और लोअर एल्टीट्यूड पर अगर आप 1940 की वीकर फ्रीक्वेंसीज को कैच कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं सुन रहा, पहले पता लगाते हैं कि हम कहां हैं। भले ही आउटडेटेड लगे, हमारा रेडार जर्मन से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। बस अपनी सीट्स पर चले जाइए। देखो, अगर फिर से कोई भी प्लेन आते हैं तो ये रडार हमें उनसे आगे रखेगा। भले ही आप सही हो, जो कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, तो बताइए वापस कैसे जा सकते हैं? हमें एक और स्टॉर्म में जाना ही होगा। अगर एक स्टॉर्म यहाँ पहुंचा सकता है तो दूसरा यहाँ से निकाल भी सकता है। तो अब हम दूसरे स्टॉर्म का इंतजार करें? यस कैमरन, तुम प्लीज इन्हें वापस ले जाओ। बिल्कुल जेंटलमैन, प्लीज। और हाँ, तुम सब चुप रहना, समझ गए? ठीक है। यस कैप्टन। चलिए सीट पर जाइए। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन उन प्लेन्स का क्या, और वो बॉम्ब्स? मैं नहीं चाहता कि कोई पैनिक करे। हम संभाल लेंगे। कैप्टन, हम सब संभाल लेंगे। मैं आपके साथ हजारों बार प्लेन उड़ा चुका हूं लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। मैं
डिसेंट करने वाले हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जी समझ नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे सकता। ऐसा ही हुआ होगा। तुमने अपनी फिजिक्स की डिग्री कब ली थी प्रोफेसर? देखो फालतू की बातें मत करो, मुझे कुछ सोचने दो। ओके। क्या चाहिए आपको सर? कैप्टन ने क्या कहा आपने सुना नहीं? हम लो ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं सिचुएशन समझने के लिए। नहीं पर ओके, लेकिन ये चल क्या रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं वादा करती हूँ सर, जैसे ही सबको पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, तू मेरी बात तो। थैंक यू। और एक बात सुन लीजिए, अगर अब आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ओके, अगर हम कोई लैंडमार्क पहचान सके तो वो अच्छा रहेगा। मुश्किल होगा, बिना 21st सेंचुरी के लाइट पोल्यूशन के हिसाब से तो। तुम श्योर हो कि वो सेंट नजर ही था? देखो इतनी खतरनाक बॉम्बिंग सिर्फ 1940s में ही हुई थी। ऑलराइट, ठीक है, मुझे पेंसिल्स निकालने दो। शेड्यूलिंग। हाँ यस। आने वाले स्टॉर्म पर नजर रखनी होगी। अब तुम मत शुरू हो जाओ। टाइम ट्रैवल स्टॉर्म इम्पॉसिबल है। मुझे पता है, लेकिन ये सब भी मीनिंगलेस है। सब समझ आएगा जब हमें पता चलेगा हम कहाँ हैं। अभी इस पर फोकस करो। ओके मेटे, यह IA फ्लाइट 42 आउट ऑफ डेलिस। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम हीथ्रो के रास्ते पर थे और अचानक रास्ता भटक गए। रिपीट, यह IA फ्लाइट 42। मेटे, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? ओवर। रडार के मुताबिक दूर दूर तक कोई नहीं है। अब पता लगाते हैं कि आखिर हम हैं कहां। इस जरा वहां देखो, क्या वो एक रिवर है? शायद, पता नहीं, स्केच तो बना ही लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हमारे नीचे अभी वर्ल्ड वॉर चल रही है, फुल स्विंग। अगर ये वाकई जून चल रहा है तो हिटलर अपनी फोर्स के साथ काफी आगे निकल चुका होगा और एक हफ्ते बाद वो पेरिस में होगा। यहाँ तो लाइट्स होनी चाहिए। सिटीज शायद पावर कटिंग होगी, इसीलिए किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। रिपीट, यह है फ्लाइट 42। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। फ्लाइट रिपीट ए स्पेस। फ्लाइट रिपीट ए स्पेस। शायद फ्रेंच बोल रहा है। वो लोग सच बोल रहे थे, हम फ्रांस में हैं। वो डैनियल, रुको रुको रुको, जर्मन है क्या? एयरस्पेस ओवर। हेलो, यह है कैप्टन विलियम स्ट्रॉन्ग, IA फ्लाइट 42। आप मुझे सुन सकते हैं? वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल एयरस्पेस, प्लीज अपनी आइडेंटिटी बताइए। मैं हूँ कैप्टन विलियम स्ट्रॉन्ग, आपकी मदद चाहिए, सुन रहे हैं आप? कैप्टन, देखो आप जो कोई भी हैं, ये एक लोकलाइज चैनल है जो सिर्फ इमरजेंसीज में यूज होता है। ओवर। ये है फ्लाइट 42 आउट ऑफ डलस। हम रास्ता भटक गए हैं, शायद हमने कुछ जर्मन बॉम्बर्स देखे हैं। बॉम्बर्स? आप कह रहे हैं कि आप एक एयरक्राफ्ट में हैं? हाँ। हेलो, मेरा नाम कॉर्पोरल नाइजल शेफील्ड है,
मैं आपको बता दूं, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशंस को इंटरसेप्ट करूं। और आप भूल रहे हैं कि अभी एयरक्राफ्ट में जाना गलत है। देखिए, मेरे पास बकवास के लिए वक्त नहीं है। क्या आप किसी सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं प्लीज? एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये एक वॉर जोन है। कोई है जो हमारी मदद कर सके? कोई भी? ठीक है कैप्टन, आप मिलिट्री की कौन सी ब्रांच से हैं? हम एक कमर्शियल एयरलाइन है, इंटरनेशनल। और आप एक जर्मन बॉम्बिंग एरिया में उड़ रहे हैं? नहीं, अजीब बात है। देखिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी GMT क्या है? फाइन कैप्टन, 17 जून 2130 आवर्स। और साल? आप मजाक कर रहे हैं? देखिए प्लीज, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। ओके, आज 17 जून 1940 है। आपके कमर्शियल एयरलाइंस वाले कैलेंडर्स नहीं देते क्या? अगर आपकी तफ्तीश खत्म हो गई हो तो आप इस चैनल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ फंसे हुए हैं और सिर्फ तुम ही हो जिससे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ। धोखा? बिल्कुल नहीं। अब प्लीज इस फ्रीक्वेंसी से रिमूव हो जाइए। और कैसे समझाऊं कि ये कमर्शियल एयरलाइन है जो फंस गया है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कैप्टन। यहाँ ये होना ही यही होना चाहिए। अगर ये रेन है तो इसका मतलब कैप्टन को इन्फॉर्म करना चाहिए। चलो देखो, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास सिर्फ फ्यूल गेज है, अल्टीट्यूड है और रेडार है जो काम कर रहा है। आपका रेडार? मतलब रेडियो डिटेक्शन, जो आसमान को स्कैन करके दूसरे एयरक्राफ्ट के बारे में बताता है। ये तो RDF टेक्नोलॉजी की तरह लग रहा है जो हम ब्रिट्स अभी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। अभी बस वही चीज है जिसकी वजह से हम हवा में हैं। कैप्टन, शायद हमें पता है कि हम कहां पर हैं। नाइजल, मेरे साथ हिस्ट्री के प्रोफेसर्स हैं और उन्हें पता है कि इस वक्त हम कहां पर हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, हमने एक रिवर और उसके आसपास की सराउंडिंग हिल्स को पहचान लिया है। हम अभी फ्रांस के रेन रिवर के ऊपर से गुजरे हैं। बॉम्बिंग के बाद के टाइमिंग के हिसाब से हमारी बेस्ट गेस है। हम बिल्कुल श्योर है कि हम सेंट नेजर में हुए बॉम्बिंग के ऊपर से गुजर रहे हैं, जहां पर RMS लैंकास्ट्रिया पर अटैक हुआ था और वो वहां पे डूबी थी। डूबा था लैंकास्ट्रिया? अगर ये सच भी है तो आप लोगों को कैसे मालूम? तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन हम DC से लंदन जा रहे थे एक कमर्शियल फ्लाइट में 21st सेंचुरी में, और अचानक से एक स्टॉर्म या कुछ ऐसा आ गया और हम यहाँ पहुंच गए। ये अजीब है। वो सब छोड़ो, हमें बस इतना पता है हम आसमान में रास्ता भटक गए हैं और हम एक वॉर जोन में हैं। नाइजल, तुम्हारी मदद के बिना हम मर सकते हैं। अगर हम तुम्हें सेंट नेजर के बॉम्बिंग के बारे में बता दे तो क्या बता सकते हो? डी एयर फोर्सेस, UK JU-88, हैंकेल HE-111, मेसर स्मिथ BF-110, लाइकली प्रोटोटाइप्स, और लैंकास्ट्रिया। फ्रंट पे पूछ लो। हाँ, वो कंफर्म कर देंगे कि वो लॉस्ट हो गए हैं। हाँ, मैं पूछता हूँ। अगर तुम लोग सीरियस हो तो आधे घंटे में इसी फ्रीक्वेंसी पे कॉल बैक करना। हम आधा घंटा नहीं रुक सकते, हमें 5 मिनट में कॉल करो। अब मुझसे जो हो सकता है वो मैं करूंगा। ऊपर वाले मदद करना। जरा वो दिखाना जहां तुमने 2 पॉइंट्स ढूंढे। तुम्हें रास्ता पता है? शायद, फिर हम अपनी रेंज पता कर सकते हैं।
फ्यूल हाफ टैंक से कम हो गया है। आओ, कैसे हो कर्नल? एक मिनट। कोई खबर मिली? एक ट्रांसमिशन सर, लेकिन आपका उसके बारे में जानना जरूरी है। जेंटलमैन, मैं मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है जो फ्लाइट क्रू आपको नहीं दे रहा है। सर, मुझे हाथ मत लगाओ। मैं जानता हूं अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है हमने किसी तरह टाइम ट्रेवल कर लिया है। वैसे कितनी ड्रिंक्स ली हैं तुमने? हम सबने वो स्टॉर्म देखा, वो प्लेन्स, वो बॉम्ब्स, इन्हें पता है। न जाने कैसे हम वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में आ गए हैं। आप सब लोग प्लीज शांत रहिए। नहीं, हमें कोई कुछ नहीं बता रहा है, हमें जानने का हक है। बैठ जाओ, तुम हम सबको डरा रहे हो। आप लोगों को ये तो यकीन हो गया कि हम वॉर जोन में हैं। तो क्या हो गया? तो हम बचने वाले नहीं हैं। ये प्लेन वॉर्स के लिए नहीं है। सुनिए सुनिए, आपको पता है इसका मतलब क्या है? देखिए, बात सुनिए, अभी हम जो ट्रेवल कर रहे हैं वो जून 1914 में फ्रांस के ऊपर है। जमीन पर दुश्मन ने अपनी फोर्सेस इकट्ठी कर ली है। हमारे पास, हम सबके पास बस एक मौका है ह्यूमन हिस्ट्री को बदलने का। हम दुश्मन को मार सकते हैं। ओके, लेकिन तुम्हारे हिसाब से हम ये कैसे करेंगे? पहले भी उसे वॉर में मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फेल हो गए थे। उस वॉर के टाइम उनके पास आउटडेटेड इंटेलिजेंस थी। हमें एग्जैक्टली पता है हिटलर कहाँ होगा, सब कुछ इस बुक में है। सारी बातें डिटेल में लिखी हुई है। एसएस और हिटलर कहाँ होंगे इसके इन्फॉर्मेशन है इसमें। ठीक है, लेकिन वो हमें मीलों दूर से देख लेंगे। ये सुसाइड है, हम ये नहीं कर सकते। हम पहले ही बॉम्बर्स और अटैक प्लेन से घिरे हुए हैं। हम बचने वाले नहीं हैं। लेकिन हम इस प्लेन को लैंड करके हिटलर को ढूंढकर उसे मार सकते हैं। बस अब बहुत हुआ। hey, छोड़ो उसे, वो सही कह रहा है। अब बात हमें अपने हाथों में लेनी होगी। हम कुछ कर सकते हैं। हमें लैंडिंग के लिए एक सेफ जगह चाहिए और पायलट्स को कन्विंस करना होगा। रुक जाओ, जगह पर चले जाओ। मुझे लगा था आप हमारा साथ देंगे सर्जेंट, हम ये वॉर जीत सकते हैं। वाह, क्या खूब कहानी सुनाई है। दरअसल तुम इस प्लेन को हाईजैक करना चाहते हो, इसे टेररिज्म कहते हैं। क्या? मैं एक देशभक्त हूँ। सीधी तरह से मेरी बात मान जाइए, क्योंकि मैं और प्राइवेट जैक्सन आपको कॉकपिट में नहीं जाने देंगे। तुम्हें लगता है तुम हमें रोक सकते हो? तुम कोशिश करके तो देख लो। हम तुम्हें भी इस प्लान में यूज कर सकते हैं, तुम हीरो बन सकते हो। चुपचाप वापस लौट जाओ। तुम
तुम ये आवाज कैसी? देखो तुम समझ नहीं पा रहे हो। नहीं सर, आप नहीं समझ रहे। हम कोशिश भी करते हैं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है, भले ही आपको पता है दुश्मन कहाँ है। मेरा यकीन कीजिए, मान लीजिए नीचे वर्ल्ड वॉर चल रहा है और हमसे एक गलती हो गई, बस एक गलती, तो दुश्मन के पास ये प्लेन होगा, हमारी टेक्नोलॉजी होगी और ये बुक होगी, उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और फिर दुश्मन पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराएंगे तुम्हारी वजह से। क्योंकि पास्ट बदलने के चक्कर में हम उसे खराब ना कर दे, समझ गए? इसलिए अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाओ। हाँ सब ठीक है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो संभाल ना पाए। हम इन्हें ऐसे ही बांध कर रखेंगे, फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा सर। अभी आपको परेशान नहीं करेगा। थैंक यू। थैंक्स टू यू। आप तो फायर एक्सटिंग्विशर ले आई थी। हमारी करंट स्पीड से हम पिछले 150 मिनट से हवा में हैं और हम ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। कम से कम पता है कहाँ जा रहे हैं। हाँ तुम सही ना कहाँ जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। इस वक्त हम लोग फ्रांस के आसपास कहीं पर हैं। यानी हमें सफर जारी रखना है तो हमें कोई दोस्त ढूंढना होगा या एक सेफ लैंडिंग स्पेस ढूंढना पड़ेगा, है ना? क्या हुआ? कुछ इडियट्स प्लेन हाईजैक करके हिटलर को मारने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सोल्जर्स ने हमारी मदद की, लेकिन अब पैसेंजर्स को जवाब चाहिए होंगे, वो भी जल्दी। कॉर्पोरल नाइजल शेफील्ड कॉलिंग कैप्टन विलियम स्ट्रॉन्ग। कैप्टन स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, बोलो नाइजल। तो आप लोग यहीं हो अभी तक? और तुम भी हमारे साथ हो और तुमने 10 मिनट लगा दिए। हाँ, कुछ चीजें वक्त लेती है कैप्टन। मैंने कमांड से बात की थी और वेस्टर्न फ्रंट के सोल्जर से भी, और हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा हुआ है। उस टाइम ट्रेवल वाले बात पे नहीं, पर आपकी लैंकास्टर वाली बात सही थी। और सच कहूं तो हमें उसमें बहुत मदद मिली है। किसी को भी उस फायर पावर के एक्सटेंट का अंदाजा नहीं था, और ऐसी इंफॉर्मेशन हमें खुद से पता भी नहीं चल पाती। मुझे खुशी है कि हम किसी बात पे तो सहमत हैं नाइजल। हाँ आपने सही कहा, हमसे अब जो भी होगा हम करेंगे, लेकिन डंकर्क, लेकिन डंकर के बाद हम टूट चुके हैं। वो बहुत बुरा मंजर था। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, एलाइट फोर्स ने लाखों ट्रूप्स को वहां से इवैक्यूएट किया था। इवैक्यूएट? आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा क्या? जेरीज ने हमें दोनों तरफ से घेर लिया था, वो खतरनाक मंजर था। हमारे आधे मिलियन सैनिक मारे गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ है? वो कह रहा है कि डंकर्क में कत्लेआम हुआ था, पर ये सच नहीं है। डंकर्क तो एक बहुत सक्सेसफुल अलाइड इवैक्यूएशन मिशन था। उन्होंने 400,000 ट्रूप्स को रेस्क्यू किया था। तो अगर तुम सही हो तो हम जिस पास्ट में हैं ये वो नहीं है जो हम जानते हैं। सुनकर दुख हुआ नाइजल। वेल कैप्टन, बात अब ये है कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अभी हमें दो चीज की जरूरत है, एक सेफ रास्ता और एक सेफ लैंडिंग की जगह। और एक और चीज, अगर तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो एक अजीब से स्टॉर्म की तो हमें बताओ। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं करूंगा कैप्टन। आपकी करंट पोजीशन क्या है? हम वायर के पास हैं इस वक्त, बस इतना ही पता है। थोड़ी देर पहले रेन को क्रॉस किया है और अब सीधे जा रहे हैं। आप जर्मन बॉर्डर के पास हैं? आपकी करंट एयर स्पीड क्या है? 400 नॉट्स।
मेरी बात ध्यान से सुनिए कैप्टन, सबसे पहले अपना कोर्स चेंज कीजिए। हमें जर्मन चैटरिंग सुनाई दे रही है, फ्रांस के एक बड़े एयरक्राफ्ट के बारे में बातें चल रही है। इसका मतलब जो भी ये बॉम्बिंग कर रहा है उसे पता है कि हम यहाँ हैं। आसपास कोई फ्रेंडलीज है इस एरिया में जो हमारी मदद कर सकता है? आपकी एग्जैक्ट पोजीशन जाने बिना ये बता पाना मुश्किल है। अगर हम तुम्हें विजिबल हो जाएं तो? क्या मतलब है आपका? हम अपनी नैव लाइट्स ऑफ करके उड़ रहे हैं, लेकिन हम लैंडिंग और रनिंग लाइट्स ऑन कर सकते हैं। तुम श्योर हो इसके बारे में? बहुत से सिस्टम्स फेल हो चुके हैं। ये एनालॉग है राइट? शुरू करें। कर्नल तक इसे तुरंत पहुंचा दीजिए। नाइजल, एक चीज हमारे सामने आ रही है। एक मिनट कैप्टन। वो अलाइज हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, जल्दी कुछ करो। वेल कैप्टन, हमें तो कोई एयरक्राफ्ट नहीं दिख रहा। सुनिए, अपनी अपनी सीट्स पर लौट जाइए और किसी से कुछ मत कहिए। सबका ख्याल रखना, जल्दी जाओ। कैप्टन, हमें पता चला है कि आपके पीछे कुछ जर्मन क्राफ्ट्स हैं। हम वहां पहुंच गए हैं, हम उन्हें घेरने ही वाले हैं। जब तक कोई ऑर्डर ना करे फायर मत करना। यहाँ सब सिक्योर है कैप्टन। हमारे जेट प्लेन के चारों तरफ हैं। पक्का एक नाजी प्लेन है। इनके पास जेट्स भी हैं? 40s में जेट्स कहाँ से आ गए? सब चौकन्ने रहना, ऑर्डर कभी भी मिल सकता है। होशियारी से काम लेना होगा। तैयार हो जाओ। हमारे निशाने पर है, बताइए क्या करना है? मैंने जितना कहा है उतना करो। जी सर, हम आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या आप जानते हो क्या हो रहा है? मैं जेट को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। क्या हो रहा है डैनियल? वो हमारे पीछे ही है। ऑर्डर मिल चुका है, टारगेट सेट है। हमारे पीछे है, मुझे पता है। ये सब क्या हो रहा है? कैप्टन, विल, आप मुझे सुन रहे हैं? अभी नहीं नाइजल, अभी गोलियां चल रही हैं। आई एम लाइक, मेरी आवाज आ रही है? सुन रहे हो मुझे? डैम इट,
तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, शायद है, बस डरना मत। क्या, क्यों? थ्री थाउजेंड फीट टू थाउजेंड फीट ये क्या हो रहा है? Bill 1000! दो प्लेन्स ठीक हमारे पीछे है। हमें कॉकपिट में फर्स्ट एड चाहिए। थोड़ी देर और डाल, बस थोड़ी देर। ओके ओके ठीक है, मुझे देखने दीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, ज्यादा गहरा घाव नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, बस वेट करना होगा। बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। प्लेन कैसा है? बहुत बुरी हालत में है, बहुत सारा फ्यूल खत्म हो चुका है और अभी और भी हो रहा है। केबिन प्रेशर में प्रॉब्लम है, 15,000 फीट से नीचे रहना होगा। ये इतना बुरा है? बहुत बुरा है, हमें इसे फिर से साइकिल करना होगा। नाइजल, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। नाइजल, रेडियो में तो प्रॉब्लम नहीं, अभी सिग्नल आए थे, हम आउट ऑफ रेंज है शायद। विलियम स्ट्रॉन्ग, अब या तो हम बादलों में छुप सकते हैं या अपने दोस्त नाइजल के साथ बात करते करते मर सकते हैं, और हम फ्रंट व्हील से लैंड भी नहीं कर सकते। परफेक्ट कैप्टन। एक मिनट रुको विल, अगर पैसेंजर्स को पता लगेगा कि क्या हो रहा है तो वो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। अभी हमें मिलकर काम करना होगा, हम सभी को। डैनियल, तुम प्लेन उड़ा सकते हो? हाँ, उड़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत होगी। तुम इनके साथ रहो, मेरी सीट पर बैठो। आप श्योर है? हाँ बिल्कुल। कैप्टन, कैमरून मेरे साथ चलो। यस सर। सर, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? Sir, क्या मरने वाले? आपने अभी तक कुछ नहीं बताया, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आप सर, हम चाहते हैं कि आप शांत हो जाइए और अपनी सीट पर बैठिए। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका कैप्टन विलियम स्ट्रॉन्ग, और वक्त आ गया है आपको सच बताने का। हम निकल रहे हैं सर। नहीं, तुम नहीं, हम जाएंगे। क्या उनकी कोई खबर है? नहीं सर, मेरी उनसे आखिरी बात हुई थी तब वो दुश्मनों के साथ फाइट में थे, फिर कांटेक्ट चला गया। मुझे डर है, मैं कोशिश करता हूँ सर। अगर बात होती है तो रडार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लो। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये सच में कोई सुपर प्लेन है तो दुश्मनों के हाथ आने से पहले हम खत्म कर देंगे।
उसे खत्म करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। माफी चाहूंगा कि अब तक आप सभी को अंधेरे में रखा गया। हमें जो एक मामूली सा स्टॉर्म लगा वो उससे कई ज्यादा था। हम में से कुछ को और मेरे को पायलट डैनियल को भी लगता है कि हमने टाइम ट्रैवल किया है। इन दोनों की मदद से और ग्राउंड पर हुए मेरे कांटेक्ट से हमें पता लगा है कि हम इस वक्त फ्रांस में हैं। और इन दोनों के हिसाब से इस वक्त हम 1940 में हैं। ये इम्पॉसिबल है। फर्क नहीं पड़ता, हम एक वॉर जोन में हैं और इस वक्त खतरे में हैं। अगर हम बादलों में छुपे रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि आप सभी लोग शांति बनाए रखें। हम यही कर सकते हैं कि लैंडिंग के लिए कोई सेफ जगह ढूंढें। क्या आप तैयार हैं? लैंडिंग की बात करें तो दूसरे प्लेन्स की फायरिंग की वजह से हमारा लैंडिंग गियर डैमेज हो गया है, वो खुल नहीं रहा है। मैं उसे ठीक करने जा रहा हूं, पर अकेला नहीं कर सकता। कोई है यहां पर जो मेरी मदद करना चाहता है? कौन है जो मेरे साथ नीचे चलकर मेरी मदद करेगा? कैप्टन, मैं एक इंजीनियर हूं। हम हाइड्रोलिक्स पे काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही कहा। मैं चलूंगी आपके साथ। थैंक यू टेरेसा। मदद के लिए शुक्रिया टेरेसा। कोई और है? मुझे लगता है मैं इनकी मदद कर सकता हूं। तुम यही रुको। सुनिए कैप्टन, मैं आपकी मदद करूंगा कैप्टन। थैंक यू मिस्टर हेक्टर। मेरा नाम हेक्टर है। तुमसे मिलकर खुशी हुई हेक्टर। थैंक यू। मैं आपके साथ हूं। शुक्रिया मेरे दोस्त। अब हम नीचे जाने वाले हैं। फ्लाइट क्रू सबको संभालेगा। डैनियल प्लेन उड़ाने वाला है। कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मुझे बताएगा। हम आपको अंधेरे में नहीं रख सकते। अब हमारा फोकस है आप सबको सेफ रखना। टेरेसा, हेक्टर, आओ मेरे साथ। फिक्र मत करना, मैं आता हूं। आपको पता है ना टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पता है, सब कुछ पॉसिबल है अगर विश्वास हो तो। पंचर नहीं है, ये तो अच्छी बात है। कैप्टन ये देखिए, शायद हमें इसे स्प्लाइस करना चाहिए। तुम बहुत तेज हो, मुझे अच्छा लगा हेक्टर। ऑलराइट, अब शायद हो जाएगा। पीछे हटो, पीछे हटो। डैनियल, हमने दरवाजा खोला है, एयर को डाउन करने की कोशिश करो। कॉपी दैट। नहीं हुआ विल। कैप्टन वो देखिए, मैंने देख लिया, हमें उसे बाहर निकालना है। डैनियल, लैंडिंग गियर को फिर से बंद करो। अब कुछ हुआ? नहीं डैनियल, अभी भी खुला है। मैं वहां जाता हूँ और शाफ्टर को निकालने की कोशिश करता हूँ। आप पागल हो गए हैं क्या? कोई और आइडिया है तो बताओ। डैनियल, हमें
विंड को कवर करने के लिए स्लो करना होगा। स्पीड को 150 नॉट्स के आसपास ले आओ, ओके? होल्ड ऑन कैप्टन, प्लीज मुझे करने दीजिए। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। प्लीज, इस प्लेन को दो पायलट्स की जरूरत है, उनमें से एक आप है। प्लीज समझिए, प्लीज अपना ध्यान रखना। काम हो गया विल। एक्टर, संभल कर। संभल कर एक्टर। हाँ, हम ठीक हैं, हमने कर दिखाया, काम हो गया। लैंडिंग गियर अब ठीक है, वो भी इन दो हीरोज की वजह से। कैसा चल रहा है? हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा फ्यूल खर्च हो गया। अब सिर्फ 90 मिनट का फ्लाइट टाइम बचा है, करो या मरो। अभी हम कहाँ हैं? हम लोग बॉर्डर पर कहीं हैं, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। बहुत अच्छे ब्रियाना, अब मुझे संभालने दो। ओके। हमें नाइजेल से कांटेक्ट करना होगा, उसे बताओ हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे पहले एक गोली लग चुकी है आज। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम एक डिसेंट करने वाले हैं जिससे रेडियो कांटेक्ट बन सके। नाइजेल, कम इन, मेरी आवाज आ रही है। कैप्टन स्ट्रॉन्ग। नाइजेल, तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। ऊपर वाले, आपने अचानक ऐसे कांटेक्ट तोड़ दिया तो मैं डर गया था। लेकिन आप आखिर उन प्लेन से बचे कैसे? हमें बादल के ऊपर से जाना पड़ा था, कम से कम अब हमें अपनी रेडियो ट्रांसमिशन रेंजेस तो पता है। आपकी करंट लोकेशन क्या है? हम स्विस बॉर्डर के ऊपर हैं। हमारे पास सिर्फ 80 मिनट्स उड़ने का फ्यूल बचा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपने पहले किसी स्टॉर्म के बारे में जिक्र किया था? हाँ, किया था। यहाँ पर आने से पहले हम लोग एक स्टॉर्म से गुजरे थे, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। काले बादल थे और सेंटर में किसी तरह की ब्लू एनर्जी थी। ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। अब दिक्कत देने वाली बात है आपका जर्मन एयर स्पेस में जाना। आप अपने रूट पर बने रहिए, मैं आपके लिए कोई सेफ लैंडिंग स्पॉट ढूंढता हूँ। और मेरे कमांडिंग ऑफिसर कह रहे हैं कि मैं आपसे उस रडार सिस्टम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांगू। तुम क्या जानना चाहते हो नाइजेल? सब कुछ जो आप मुझे बता सकते हैं। कैप्टन, क्या मैं बताऊं? मेरा नाम है बेनेट। ये रडार प्लेन की नोज पर होता है जो आसपास के एरिया की चीजों को डिटरमाइन करता है, और
कॉकपिट में एक कंसोल है जो बुल्स आई की तरह बिल्कुल दिखाई देता है। ये सिग्नल्स के लिए काम में आता है और स्क्रीन पर डिस्टेंस लगातार शो करता है। और बस इतना ही। आसान था पर हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इसी के वजह से तो हम अब तक जिंदा हैं। वेल, उम्मीद है कि आप अमेरिकन्स जल्द ही वॉर में शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी फ्रंट पर हमारी मदद करेंगे। कहा था ना, हम जरूर करते अगर कर पाते तो। विलियम, एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए। मेरे कमांडिंग ऑफिसर चाहते हैं। Damn it! तुम्हारे दोस्त फिर आ गए नाइजल। हम निशाना लगा चुके हैं। हाँ, ऊपर से। फायर! सोच क्या रहे हो? जल्दी फायर करो। शायद फिर से हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। बस खुद को सेफ रखिएगा। एक हमारे पीछे और एक हमारे आगे। ओके, तैयार हो जाओ। वेल आराम से पकड़ो। पीछे सब कैसे हैं, पैसेंजर और क्रू? कुछ विंडोज टूटी हैं और सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन हम सब ठीक हैं तो। थैंक्स। बताओ आप क्या करें? हम फंस गए हैं। रडार सिर्फ एक छोटी सी वार्निंग देता है और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ नाइजेल से बात कर पाते हैं, बस। क्योंकि हमारा रडार लोकलाइज्ड है, इसलिए हम सिग्नल के एपिसेंटर पर हैं। ये सिर्फ हमारे आसपास की चीजों को ट्रैक कर सकता है। अगर हमारा रडार जमीन पर हो तो दुश्मन के फाइटर प्लेन को ट्रैक करने में हमारी हेल्प कर सकता है। ये सही रहेगा। तो इसे नाइजल को दे देते हैं। नाइजल की स्टोरी में सच्चाई नहीं है, ओके? अब तक उनके पास रेडार आ जाना चाहिए था, और जैसे वो बात कर रहा है उससे लग रहा है कि अभी भी और साल लगेंगे। शायद इसीलिए हम यहाँ हैं, हिटलर को मारने के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स को शायद रेडार देने के लिए। हम प्लेन की नोज से उसे काट सकते हैं और किसी स्पॉट पर एयर ड्रॉप कर सकते हैं। वो उसे ले लेंगे और हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल बन जाएगा। और हिस्ट्री बदलने का क्या होगा? जैसा हमने सुना है, लगता है हिस्ट्री पहले ही बदल चुकी है। डंकर का बैटल वो हार गए। किसे पता क्या सच है और क्या झूठ है? इससे शायद हम और वो दोनों उस हिस्ट्री तक पहुंच जाएं जो हमें पता है। शायद इससे ही सब कुछ ठीक हो जाए। वेल, आप भले ही टाइम ट्रैवल पे यकीन ना करें, लेकिन आपने खुद ही कहा था हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो नाइजल को बताओ उसे क्रिसमस प्रेजेंट जल्दी मिलने वाला है। अरे नहीं, मिसाइल!
नाइजल कम इन। विल, शुक्र है, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। इतनी जल्दी नहीं मरेंगे मेरे दोस्त, पर एक मिसाइल टकराने ही वाला था। नाइजल सुनो, किसी और प्लेन की? नहीं, शायद वो जमीन से ही छोड़ी हुई थी। विल, मुझे लगता है तुम्हें बता देना चाहिए। नाइजल सुनो, हम स्विस बॉर्डर से 100 मील दूर है और हम तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं, हमारा रेडार। क्या तुम कोई ड्रॉप साइट ढूंढ सकते हो? फिल, आप श्योर हैं आप ऐसा करना चाहते हैं? हमारे लिए यही रास्ता बचा है, यहाँ से अपनी जान बचाकर बच निकलने का। फिल, आप अभी मेट्स के आसपास होंगे, करेक्ट? सही कहा। आप 10 मिनट में बॉले मुजले से गुजरने वाले हैं। हाँ सही कहा। मैं वहाँ एक प्लेटून भेज दूंगा जो रडार को ले आएगी, अगर आपने सही से ड्रॉप किया तो। हम कर देंगे। तो फिर ठीक है। जर्मन टेरिटरी में जंगल के पास एक फील्ड में। देर मत कीजिएगा, तुम तक पहुँच जाएंगे। यही दुआ है दोस्त। ओवर एंड आउट। सुना तुमने? 10 मिनट। बेनेट, तुम और डैनियल नीचे जाओ। हेक्टर और टेरेसा को लेकर जाना। बॉक्स को प्लेन की नोज से काट देना और एक स्क्रीन लगा देना। डेल, हमें इस रेडार को एक सेफ राइड देनी होगी। कुछ ऐसा करो जिससे ये 1000 फीट की दूरी बिना टूटे तय करे। हाँ नाइजल, बोलो। आपको मेरी बात माननी होगी, हम दोबारा उन्हें टारगेट नहीं कर सकते, हमें उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। देखो नाइजल, हमारी इस बारे में बात। हमें अपना रडार सिस्टम देना चाहते हैं, एयर ड्रॉप करना चाहते हैं उसे। वो हमें तभी मिल सकता है जब आप अपने अटैक्स बंद करवाएंगे। कॉर्पोरल, सारे एयर अटैक्स को रोक दो अभी। यस सर। जाओ। ये आपके बैग, आपके पास कुछ ऐसा है जिससे हम पैराशूट बनाने में यूज़ कर सकें? मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जिससे पैराशूट की तरह यूज कर सकें। क्या मैं कुछ मदद करूं? ये मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए लिया था, वो लंदन में रहते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ये लो बैग। ठीक है, इसे टाइट से बांधो। हे डैनियल, हमारे पास बैटरी है क्या? मुझे यूएसबी बैटरी चाहिए, किसी के पास है क्या? मेरे पास एक है। हाँ, मेरे पास भी है। सब कुछ इस पे रख दिया? चलो। चलो जल्दी। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो बेनेट, हम 10,000 फीट से भी नीचे हैं, जल्दी। वी आर रेडी कैप्टन। नाइजल, पैकेज निकल चुका है। शानदार, ट्रूप्स भेज दिए हैं उसे लेने के लिए। मैं अभी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। डबल स्पीड से जाइए। हमारे कोड ब्रेकर्स ने बहुत सी बातें सुनी हैं। बहुत जल्द आपके पीछे दुश्मन आने वाले हैं। सर, वो प्लेन हमारे एरिया में आ चुका है, क्या उस पर अटैक करना है? आई रिपीट, क्या उस पर अटैक करना है? वहाँ वो क्या है? कहाँ? चलो जल्दी करो। कहाँ पर है? कम ऑन गाइस, ऊपर चलो। कहाँ? आगे। हाँ ऊपर चलो, पेट पर। उधर 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 उधर। हाँ जल्दी उतरो उतरो उतरो। अच्छे से। हाँ आराम से समझ के। कहाँ पर है? वो वो निशाना लगा दिया। आगे हाँ।
नाइजल, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें पैकेज मिला या नहीं? वो बस आता ही होगा, थोड़ा रुकिए प्लीज। जाओ जल्दी लेकर आओ उसे। विल, हमें पैकेज मिल गया है, वो आने ही वाला है। वो तुम्हारे पास आने वाला है? मैं क्लोजेस्ट रेडियो ऑपरेटर हूँ ड्रॉप साइट से। नाइजल, तुम हमारे गाइडिंग एंजल हो। वो देखो, शाबाश, तुमने ढूंढी लिया। विल, हमें रेडार मिल गया है। बहुत अच्छे नाइजल, अब जल्दी करो, हमारे पीछे दुश्मन के प्लेन्स हैं। नाइजल, हमारा फ्यूल खत्म होने वाला है, हमें बादलों में जाना है, जल्दी। मिल गया, मैं आसमान को स्कैन कर रहा हूं। ओके कैप्टन, साउथ ईस्ट की तरफ जाकर थ्रॉटल को हिट कीजिए अभी। तुम श्योर हो नाइजल? हाँ मैं श्योर हूँ, अब मूव कीजिए। मेरे सामने वो एयरक्राफ्ट है। नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं फायर करने के लिए तैयार हूं। राइटो, इनको आसमान से बाहर फेंक दो। पक्का वर्ल्ड वॉर 2 है, ये और कुछ नहीं हो सकता। ये कैवेलरी कहां से आ रही है? ओ, मेरे कलीग्स आ गए। नाइजल, तुम कमाल हो। तुम सही थे, ये सच में 1940 है। हाँ बिल्कुल है, आपको साफ आसमान मिलने वाला है। मैं आपको सेफ लैंडिंग साइट पर पहुंचा दूंगा। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपके ठीक सामने एक बड़ा ब्लिप है। क्या वो कोई प्लेन है? हम रास्ता बदलें। स्टेशनरी लग रहा है, आपको दिख रहा हो, इसके आगे कुछ नहीं है। आपको क्या दिख रहा है जेटर? ये वोर्टेक्स है, यही है जो हमें यहाँ लेकर आया था। हमें इसी में जाना है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है नाइजल। मैं फिर भी आपके लिए एक सेफ लैंडिंग साइट ढूंढ रहा हूँ।
विल, मुझे पता है कि इसी चीज ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और 1940s में हम सेफ लैंडिंग नहीं कर सकते। ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन आपके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से टर्बुलेंस होने वाला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके पेशेंस, असिस्टेंस और हम पर भरोसा करने के लिए। मुझे आप सब पर गर्व है। ऐसा लग रहा है हम मरने वाले हैं। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नाइजल, तुमने जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम एलाइज यही करते हैं कैप्टन। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना कैप्टन। आप सभी फ्लाइट 42 वाले खुश रहें। चलो घर चलें। सब बताएंगे, अभी फ्यूल खत्म है, हमें जल्दी से लैंड करना होगा। आइए फोटू, दिस इज टीएक्सएल टॉर, हम पाथवे क्लियर कर रहे हैं और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स भेज रहे हैं। बस लैंडिंग में दिक्कत ना हो। आइए फोटू, रनवे क्लियर है, आप आ सकते हैं। फ्यूल खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस प्लेन को ग्लाइड करवा देते हैं। आइए फोटू, अपने हिसाब से रनवे चुन लीजिए, सब क्लियर है, लैंडिंग करवा सकते हैं। फ्लैप्स को ड्रॉप करो। एयर डाउन करो। कर दिया सर। स्टेडी रखो, स्टेडी रखो, शाबाश, क्या बात है। सभी इमरजेंसी सर्विस व्हीकल्स रनवे 8 पर ले आइए। वो डी और सी के इंटरसेक्शन पर रुके हैं। TXL, यू हैव फ्लाइट 42। हम पहुंच गए हैं बिल्कुल सुरक्षित। हम पहुंच गए। कॉपी दैट, आइए 42। वेलकम टू बर्लिन। TXL, ये कौन सा साल है? आप बहुत मजाक करते हैं कैप्टन। वेलकम बैक। आई लव जर्मनी। ये वाला जर्मनी। सच में चलो, हम और के मुंह से बचकर बाहर निकले। आ जाओ, चलो मिलेंगे। ये कहानी हम सबको बताएंगे। शुक्रिया, ये याद रहेगा हमेशा के लिए। हाँ, अपना ख्याल रखना। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। हाँ, चलो बाकी में अच्छा तुम्हारा। ध्यान रखिए, अपना ख्याल। शुक्रिया, शुक्रिया। आइए ना भैया। थैंक यू, बाय। जी जी जी, ओके। सब चले गए।
बस एक जेंटलमैन बचे हैं वहां पीछे, मैं देखता हूं उन्हें, तुम जाओ। ओके। एक्सक्यूज मी सर, आपको चलना चाहिए। ओ हाँ, बस एक मिनट कैप्टन, मैं अपना एक अधूरा काम पूरा कर लूं। अब हो गया, मैं आपसे माफी चाहता हूं आपको वेट करवाने के लिए। अब मैं तैयार हूं। कहते हैं ना, वर्तमान से अच्छा कोई समय नहीं होता, तो चलें। थैंक यू।